गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारे यहाँ पे फोर्थ डे है और हम यहाँ पे अभी चेकआउट कर रहे हैं, तो सारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद हम जा रहे हैं दूसरे होटल में चेक इन करेंगे और उसके बाद हम जाने वाले हैं सोनमार्ग। हो गया सब कुछ डन? हाँ, रेडी, सारी पैकिंग डन, मैंने कर दी ना। तुम्हारे मुंह में पानी है, तुम बोल नहीं सकते। सारी पैकिंग ये मैंने की है। और कुछ? सोनमार्ग या सोनामार्ग जाने के लिए हमने जो कार रेंट की थी उन्होंने हमसे 4,000 रुपये चार्ज किए थे। हमने बड़ी कार ली थी, अगर आप छोटी कार रेंट करते हैं तो और भी सस्ते में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कार आपको डायरेक्ट सोनमार्ग ही लेके जाएगा। अब पूरा रास्ता विजुअली बहुत ही खूबसूरत है, इतना सीनिक ब्यूटी है ना सोनमार्ग का कि आपका दिल खुश हो जाएगा। पूरे रास्ते में आपको ऐसे बर्फ स्टार्ट हो जाएंगे दिखने और साइड में ये नदी बहती रहती है, तो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब सोनमार्ग की ड्राइव बहुत ही खूबसूरत है। सोनमार्ग पहुंचने के बाद आपको जैकेट, बूट और घोड़ा रेंट करना पड़ेगा। आपने जो भी जैकेट पहना है उसके बावजूद भी आपको इनकी जैकेट लेनी पड़ेगी क्योंकि ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अलग अलग रेट्स होते हैं, बार्गेनिंग में अगर आप अच्छे हैं तो आप जीत जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये जो पर हेड घोड़ा जैकेट और ये बूट का 1600 पे किया था, 1600 पर हेड में, जिसमें इन्होंने जैकेट दिया था, बूट दिया था और ये घोड़ा जो आपको ऊपर तक लेके जाएगा और लेके आएगा। पहुंचे हैं यहाँ पे सोनमार्ग के सबसे टॉप वाले ग्लेशियर पे जिसका नाम है थाजवास ग्लेशियर। यहाँ पे ये जो चट्टानें हैं ये काफी पुरानी है, कितने हजार साल मेरे को नहीं पता। और यहाँ पे बहुत ठंडा है, यहाँ पे नीचे हम इतने ऊपर है। यहाँ पे हम फोटोग्राफी कराए हैं और बहुत सारे और सब लोग यहाँ पे, अगर आप नीचे देखेंगे, मैं अभी भी डर रही हूँ। रैन को डर नहीं लग रहा है लेकिन मेरे को अभी भी बहुत डर लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। तो बस यहाँ पे सोनमार्ग में देखने लायक यही ग्लेशियर था और कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कोई राइड्स नहीं होता है, स्की वगैरह रहता है लेकिन वो बहुत ही बेसिक है, गुलमार्ग जैसा नहीं रहता। तो वापस हम घोड़े से वापस आ गए। बालकनी में भी चले गए। मास्क खोल दो, आ गया रूम में ठंडी से बचाने के लिए। तो तो हम सुबह निकले थे दलाली से कि हम यहाँ पे शेरेटन में चेक इन करेंगे, लेकिन फिर हमने प्लान किया कि पहले सोनमार्ग चले जाए क्योंकि काफी लेट हो गए थे हम ब्रेकफास्ट करते करते। हमेशा की तरह एक ही आदमी की वजह से लेट होता है। बिल्कुल। कोई सजिता समझ जो लाल कलर का जैकेट पहनी हुई है तो
तो इसकी वजह से हम वहाँ सोनमार्ग पहले चले गए और सोनमार्ग से डायरेक्ट और सोनमार्ग से हम अभी वापस यहाँ पे होटल में चेक इन कर रहे हैं। और आयन का यहाँ पे फेस घूम घूम के पूरा थक गया है, थके हुए बहुत। तो अभी मैं बच्चों को थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ और देखते अब क्या कल कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। तो अभी हमारा डिनर वगैरह हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं सोने। सब अपने अपने काम में बिजी हैं। Not me, I'm not busy. हाँ, मेरा बच्चा ये फोन वोन नहीं देखता है। He's a good boy. और एक और है गुड गर्ल। तो आई होप कि आज का ये सोनमार्ग का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।